हेलो गाइस, आई एम पूजा फ्रॉम देहरादून, इंडिया। वेलकम माय चैनल माइंड हिप्नोटिज्म। गाइस, अभी मेरे पास एक मैसेज आया जिसको देख के मुझे मन में आया कि मुझे इस टॉपिक पे भी वीडियो करना चाहिए, तो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। गाइस देखिए, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात भी है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों से अगर नहीं सीखते हैं ना तो बातें बड़ी हो जाती हैं। तो गाइस, मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि खुद को अप्रिशिएट कैसे करें। राइट, पहले हम थोड़ा कॉज जानते हैं। ठीक, क्या होता है, एक सिंपल सी बात करूंगी मैं। लड़की हूँ तो मैं लड़कियों की बात करूंगी कि लड़कियों के तो ऐसा होता है कि लड़कियों को लगता है कि लड़कियां कुछ पहन रही हैं, वो हेयर स्टाइल बना रही हैं, उन्होंने अप्लाई काजल अप्लाई किया है, बहुत सारी चीजें जो मेकअप किया है, और जैसे ही वो घर से बाहर निकलें तो चार लोग उनकी तारीफ करें, है ना। और चार लोग अगर तारीफ करें तो उनका कॉन्फिडेंस ऐसे डबल हो जाता है। फिर वो क्या करती हैं, फिर आगे जाती हैं, फिर ऑफिस अगर काम करते हैं तो उसमें और लोगों ने तारीफ कर दी तो वो फूले नहीं समाती हैं, है ना, चाहे वो झूठी कर रहा हो चाहे वो सच्ची कर रहा हो। तो ये उन लोगों की बात है जो दूसरों की नजरिए से अपने आप को जज करते हैं, जो दूसरों की नजरिए से खुद को पसंद करते हैं। मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने घर से कॉन्फिडेंस से निकलती हूँ, मेरे को जिस चीज़ में कंफर्टेबल होता है मैं वो बेयर करती हूँ, और उसके बाद अगर मुझे बाहर कोई गलत बोलता भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उन्होंने कहा किसी ने गलत बोल दिया तो इतना अफेक्ट हो जाते हैं कि अगली बार ऐसे पहनूंगा ही नहीं, अगली बार तो मैं ऐसे छूंगी ही नहीं यार, लोगों ने ऐसा बोल दिया। अरे यार, उनकी प्रॉब्लम है ना। इतनी आज की इतनी ज़्यादा मतलब लोग एक दूसरे से जेलस करते हैं तो क्यों अच्छा बोलेंगे, और क्या पता वो जो अच्छा बोल रहे हैं वो अंदर से कितना आपको खराब बोल रहे हो। तो दूसरों के जजमेंट की वजह से आप कपड़े भी उनकी मर्जी से पहनेंगे तो आप तो हो गए दूसरे पर डिपेंड, जो कि नहीं होना चाहिए। आप खुद को अप्रिशिएट करना सीख गए जिस दिन, ये प्रॉब्लम वैसे ही शॉर्ट आउट। तो आपको ये करना चाहिए, आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो पहना वो आपको पसंद है कि नहीं। अगर किसी ने गलत बोला भी तो उसको बोलो आपको क्या फर्क पड़ता है, मैंने पहनना है, नहीं देखना मत देखो, है ना। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है कोई आपको अप्रिशिएट तो उससे होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। अगर आपको कोई एडमायर करे, आपकी तारीफ करे तो ऑब्वियसली आपको खुशी होनी चाहिए, लेकिन वो खुशी सिर्फ उनको देख के नहीं आनी चाहिए, उनकी बातों से नहीं आनी चाहिए, वो नेचुरली आपको फील करनी चाहिए कि हम अच्छे दिख रहे हैं, हमने जो पहना वो अच्छा दिख रहा है। फिर हम दूसरे करें ना करें डजंट मैटर, कोई करता है उसको थैंक यू बोल दीजिए, जो नहीं भी करता है कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो चीज आपको अच्छी लग रही है हो सकता है कि दूसरों को ना आए, सबकी पसंद एक जैसी तो नहीं होती है ना। तो छोड़िए इसकी बात, तो छोड़िए बाकी और चीजों की बात भी, मैं बातों की बात करूंगी। कुछ लोग तो इतना डरते हैं कि दूसरों के सामने अपनी बातें ही नहीं कह पाते, तो अपनी बात कहने के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए। जो मैं करती हूँ, मेरे को जो बात बोलनी है बोलनी है, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप मेरी वीडियो पे कमेंट करेंगे, आप लाइक करेंगे डिसलाइक करेंगे, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे है कि मेरे को आपसे बातें करनी थी, मैंने आपके साथ कर ली, ये मेरा सेटिस्फेक्शन है, मुझे अच्छा लगता है। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, मैं हमेशा लाइकिंग वालों को बोलती हूँ, डिसलाइक करने वालों को भी आज थैंक यू बोलना चाहूंगी। मुझे नहीं पता है कोई मेरी वीडियो शायद ओपन करते ही उसे डिसलाइक मार देता है, तो उसको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपके इससे मेरे को फर्क कुछ नहीं पड़ता है, बस मुझे एक छोटी सी चीज का दुख होता है बस। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपने वो सबसे पहले देखी और उसे डिसलाइक। दुख इस बात का होता है कि आपने रीजन नहीं लिखा, आप किस बात से जेलस हो गए, आपने देखा तो बहुत अटेंशन के साथ, तभी तो आपने मेरे को डिसलाइक किया, और अगर किया तो प्लीज नेक्स्ट टाइम मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा किस रीजन की वजह से आपने मेरी वीडियो को डिसलाइक किया। एंड छोड़िए इस बात को भी, अब जो मुझे पसंद करते हैं, जो सच में मुझे पर्सनली जानते हैं या मुझे फॉलो करना चाहते हैं, नॉट कम्प्लीटली बट जिनको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो इट्स माय बेसिक नेचर, बहुत लोग कहते हैं तुम थोड़ा अगर इन सब बातों पे बोलते हो थोड़ा ठहरा के साथ बोलिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो मुझे पहले ऐसा बोल रहे थे अब वो शायद मुझे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो बेसिक होता है, जो आपका नेचर होता है वही आगे आपके जाता है, मैं उसको चेंज नहीं करना चाहती। अगर मैं दूसरों के साथ स्पीड मैच कर सकती हूँ तो कोई मेरे साथ भी तो कर सकता है ना। तो मैं तो जैसा बोलती हूँ मुझे ऐसा ही बोलना आता है, और आप मुझे पसंद ऐसे ही कर सकते हो तो अच्छी बात है। हाँ, अगर मैं मेरी स्पीड बहुत फास्ट है तो मुझे थोड़ा सा स्लो कर सकती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल स्लो नहीं हो सकती फ्रेंड, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी अपना वॉल्यूम कम करती हूँ तो मुझे लगता है मैं बीमार हूँ और मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो शायद यही रीज़न है। बाकी मैं हमेशा से लाउड रही हूँ तो मैं लाउडली ही बोलती हूँ, एंड प्रोफेशनली आई एम टीचर, तो टीचर की
समझ सकते हैं आप, मुझे लाउड बोलना ही पड़ेगा क्योंकि इतने सारे बच्चों को देखना होता है। वेल गाइस, इसको छोड़िए, मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहती हूँ आपको कि खुद को अप्रिशिएट करना सीखिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अगर आप बहुत अच्छे कुक हैं, सपोज हाउस वाइफ हैं, तो वो अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं, तो अगर आपका खाना अच्छा बना है तो आप दूसरों को टेस्ट मत कराइए। होता है कि बहुत महामारी जो मम्मियाँ हैं क्या करती हैं, पहले हमारी मम्मीज क्या करती हैं, लेती हैं कि बेटा पहले टेस्ट करके देखना कैसा बना है, है ना, राजमा छोला कुछ भी बनाओ बेटा टेस्ट करना कैसा बना है, खुद नहीं टेस्ट करेंगे। और हमने अगर एक बार खराब बोल दिया तो आज अच्छा नहीं बना ऐसे करने लग जाते। तो मैं उनके लिए भी बोलना चाहूंगी, प्लीज मम्मीज आप अपना खाना खुद टेस्ट करिए, आपको अपने खाने में खुद कॉन्फिडेंस आना चाहिए क्योंकि आप रोज करती हैं उस काम को, कोई आपके लिए नहीं बना रहा है, आप बना रही हैं। और अगर आपको कोई अच्छे से एडमायर कर रहा है तो उसको और खुश होइए। हर छोटी छोटी चीज में अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए। अगर आपने किसी की हेल्प करी तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए कि मैंने कितना अच्छा काम किया है और मुझे ऐसे अच्छे काम करना चाहिए। राह चलते कि आपने हेल्प कर दी तो उस पर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए खुद को, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। ये कुछ भी होने से पहले भगवान ने हमें एक इंसान बनाया और हमें अच्छा बन के रहना चाहिए, अच्छी आदतों से खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि हमें बनाया सिर्फ एक ही भगवान ने, है ना, तो हम लोग अलग कैसे हो सकते हैं, सिर्फ हम अपने कर्मों से अलग होते हैं। हमारे अंदर जो भगवान ने दिया है वो सब कुछ दिया होता है सबको, लेकिन हम उसे यूज कैसे करते हैं वो सब पे अलग अलग डिपेंड करता है, चीजें वेरी करती हैं वन पर्सन टू पर्सन। तो गाइस बस मेरी इतनी छोटी सी बात है, अप्रिशिएट करो खुद को, अपने आप को अपने आप से नीचा मत दिखाओ। अगर आप अपने आप को खुद नीचा दिखाएंगे, आप अपने आप में अच्छा नहीं फील करेंगे तो दूसरे तो आपको हमेशा तैयार रहेंगे गिराने के लिए। आपको जो करना है आप कॉन्फिडेंटली करिए, आपको जैसा अच्छा लगे उसे एक बार करके देखिए। देखिए जो चीज़ आप करके देखेंगे ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि वो सही हो, लेकिन उससे आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा अगर वो आप खराब होंगे। लेकिन आप लोगों की वजह से ये सोच के बैठेंगे कि सामने वाला आके मुझे पुश करेगा, सामने वाला मुझे कहेगा, तो कोई नहीं आने वाला गाइस। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में जो होते हैं वो आपको पॉजिटिवली नहीं गाइड करेंगे, वो आपको हमेशा एक नेगेटिव वे दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि कोई किसी को आगे नहीं देखना चाहता। आप इतनी छोटी सी बात अगर सीख जाए ना गाइस, अप्रिशिएट कर लें खुद को, तो देखिए बाहर बहुत सारे घटिया लोग, कमीने लोग पड़े हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप उनकी वजह से नीचा दिख गया ना आपको, यानी आपने फील कर लिया बुरा, जीत हो गई उनकी ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आपने खुद को अप्रिशिएट करना सीख लिया तो आप ऑटोमेटिकली हैप्पी रहेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा मंत्रा है कि अगर आप अपने आप में हैप्पी हैं तो आप दूसरों को हैप्पी बना सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि आप खुद दुखी होकर दूसरों को हैप्पी बना देंगे तो कभी नहीं होगा। वो बात अलग होती है कि आप अपने आप पे कष्ट लेके, अपने ऊपर प्रॉब्लम लेकर दूसरों को हेल्प कर दें, वो अलग चीज है। लेकिन आप उसमें भी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं ना खुद की, कि आपको अच्छा लग रहा है दूसरे की हेल्प करना, तो हैप्पीनेस तो आपकी हुई, है ना। थोड़ा सेल्फिश आप भी बने कि आपको अच्छा लग रहा है तभी आप कर रहे हैं। लेकिन आप उसको अगर ये सोचेंगे कि यार सामने वाला जब तक नहीं मान रहा है तो वो गलत है। आप सिर्फ अपने कर्मों को देखिए और अपने आप को अप्रिशिएट करते जाइए, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत हैपनिंग हो जाएगी गाइस, ट्रस्ट मी। जब से मैंने ये किया है मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है, और आप भी अगर करके देखना चाहते हैं तो प्लीज आप करिए। लाइफ आप की है, कोई से कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ आपके हाथ में होता है कि अपनी लाइफ को कैसे अच्छा लाना है। तो आज का वीडियो का मेरा क्या मोटिव था, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, बुराइयों करने का काम दूसरों पे छोड़ दीजिए, उनका काम ही होता है। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।